नमस्कार, जोहार। लहक डिजिटल के मंच पर आप सभी का स्वागत है। 1 मई को जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसमें कहा जा रहा है कि एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन होगा उनका। इसमें जो भी जितनी भी संख्या में लोग आएंगे उससे वो पता चलेगा कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। और दरअसल यह लोकप्रियता वोट बैंक में बदलती है या नहीं, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रायः जो है वो सोशल मीडिया के नेता हैं और तमाम तरह की चीजें उनके विपक्षी दल के जो नेता हैं वो लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मजदूर दिवस के दिन ही जो उन्होंने चुना है कि मजदूरों के प्रति उनकी सहानुभूति भी दिखती है। और इसका एक अपना इतिहास है कि 1886 में अमेरिका में मजदूरों के साथ जिस तरह के दुर्व्यवहार होते थे, 15-20 घंटे तक उनको काम करना पड़ता था। और बाद में जो है वो 1889 में इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तय किया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो जयराम महतो ने इसको जो चुना नामांकन के लिए, उनका एक बहुत ही कहा जा सकता है कि झारखंडी मजदूरों के प्रति, खास करके जो देश दुनिया में काम कर रहे हैं, और ऐसे मजदूरों की संख्या कहा जाता है कि करीब लाखों में है, 20 से 25 लाख आज की तारीख में भी उसके जो डेटा समय समय पर निकलते हैं उसमें ऐसा बताया जाता है कि लाखों झारखंडी देश दुनिया में बहुत छोटे मोटे काम करते हैं, मजदूरी के तौर पर काम करते हैं। और अलग झारखंड राज्य बन जाने के बाद भी जिस तरह से झारखंडियों को सम्मान नहीं मिला, तो जयराम महतो यह भी दिखाना चाहते हैं कि वे मजदूरों की वापसी हो, जो पलायन हुआ है वो उनकी वापसी हो और उनको वो सम्मान और हक मिले जो झारखंड राज्य पुनर्निर्माण और निर्माण के समय जो संकल्प लिया गया था और जो घोषणाएं की गई थी वो, उसमें तो अभी काफी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। में ऐसा कहा जाता है कि जो जयराम महतो का कहना है कि तमाम जो है ऊंचे पद पर बाहरी लोगों का कब्जा है और झारखंड वासी जो आज भी किरानी मजदूर और छोटे मोटे काम, रिक्शा ठेला दिहाड़ी का काम करते हैं, नौकर का काम करते हैं, महिलाएं जो है वो घर में काम करती हैं नौकरानी के तौर पर, तो ये छोटी घटना नहीं है। राज्य के निर्माण के बाद जिस तरह से सत्ताओं द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से तो हुआ नहीं। और 24 साल के बाद भी अगर जयराम महतो जैसे नेता तैयार हो रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर के, जो समस्याएं तब के आंदोलन के समय में जो पुराने नेता जिनके माध्यम से, जिनके आंदोलन के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ, झारखंड का निर्माण हुआ, और वही चीजें बनी हुई है, वही समस्याएं बनी हुई है, तो ऐसे में जयराम महतो का एक अभ्युदय होता है। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के माध्यम से वो आंदोलन शुरू करते हैं और यह आंदोलन काफी व्यापक रूप लेता है। शुरू में तो लगता है कि झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति तो एक भाषा और कला और संस्कृति को लेकर के, लेकिन बाद में उनका जो रूप स्वरूप दिखा वो राजनीतिक हस्तक्षेप की तरफ जाना, राजनीतिक हस्तक्षेप के तौर पर अपने आप को दिखाना और उसको लेकर के आंदोलन करना, और तमाम उसमें युवाओं छात्रों की भीड़ जुटती है, उनको समर्थन मिलता है और लगातार 2-2.5 साल से वो इसे लेकर आंदोलन, इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करना है। तो कल जो उनका ये जो शक्ति प्रदर्शन दिखेगा उसे जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों के लिए जो अभी सत्ता पक्ष में है जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो मुख्य विपक्षी दल हैं भाजपा यानी एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए थोड़ा सा तो एक चिंता पैदा करेगी कि आखिर इस भीड़ के माध्यम से जयराम महतो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चूंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं माने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो प्रायः जितने भी झारखंड से लोग जुटेंगे खासकर युवा और छात्र उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो
तो झारखंड भर से लोग चाहेंगे कि वो जयराम महतो के नामांकन के दौरान उनकी उपस्थिति हो, मौजूदगी हो, और वो अपने नेता को जो है वो एक हिम्मत, हौसला अफजाई या जो भी कहें, एक उनको बल देना, पीछे से बल देना, उनके साथ रहकर उनके समर्थन में आना, तो इससे जयराम महतो का भी हौसला बुलंद होगा। और जयराम महतो अगर जीतते हैं, चूंकि इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों, इतना तो उनका संगठन फिलहाल नहीं है, और ये होता है निचले स्तरीय, जो निचले स्तर पर जो संगठन होता है उस तरह से उनका संगठन तो नहीं होगा, लेकिन जो भी संगठन अब तक तैयार हुआ है और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल जो गैदरिंग होती है, तो उसमें तो लोग आएंगे ही, खासकर युवाओं की भीड़ और छात्रों की भीड़ तो जुटेगी ही। अब इसको जो विपक्षी दल के नेता कहें कि ये सोशल मीडिया के नेता हैं और जो कुछ भी हैं, अब तो चुनाव नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि जयराम महतो के पास जो जनाधार था, है, और जो होगा भविष्य में वो किस रूप में था, किस रूप में उनके जो उनसे जुड़े लोग जो थे, उनसे जुड़े जो छात्र थे, वो कितने समर्थित थे जयराम महतो के प्रति, और उसमें तमाम जो 8-7-8 जगह से वो उनकी पार्टी जो है संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रही है, हालांकि उनको अपना सिंबल नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी उनको जिस रूप में होगा वो सिंबल होगा वो चयन करेंगे, उसके आधार पर वो जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें प्रायः संभव है कि 7-8 संसदीय क्षेत्र के जो उनके घोषित प्रत्याशी हैं उनकी मौजूदगी भी रहेगी नामांकन के दौरान बोकारो में। तो इस उनके इस शक्ति प्रदर्शन से एक तो दूसरे दलों को परेशानी तो हो ही सकती है, अगर भीड़ बहुत जुट जाती है और लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है और ये समर्थन दिखता है जयराम महतो के प्रति, तो थोड़ा थक तो नहीं बहुत ज्यादा सिर दर्द पैदा करेगा सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि गिरिडीह से सांसद सीपी चौधरी हैं जो दूसरी बार होंगे, और झामुमो से मथुरा प्रसाद महतो हैं, ये दोनों ये बहुत काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और उनके सामने जयराम महतो एक 29-30 साल का एक युवा नेता और झारखंड के मुद्दों को लेकर पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन सही में जो है वो राजनीतिक दलों के लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, उन सब के लिए एक सिरदर्द तो होगा ही, क्योंकि भीड़ से यह तो पता चलेगा कि आखिर उनके प्रति समर्थन कितना है, क्योंकि यह भी देखना होगा कि उनके जो मुद्दे हैं उसमें लोगों का समर्थन कितना है, और यह छोटी मोटी बात नहीं है कि अगर 7 या 8 जगह से भी जयराम महतो के प्रत्याशी रांची, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये छोटी घटना तो नहीं होगी, सभी जगह पता चलेगा कि उनके जनाधार कितने हैं, उनके संगठन के प्रति लोगों की दिलचस्पी कितनी है। तो इसको एक बदलती हुई राजनीति में एक नए ढंग से देखने की जरूरत है रहे हैं। और झारखंड में इनके पास जो भी सत्ता पक्ष के पास और विपक्ष के पास जो भी दावे हैं कि 24 साल के निर्माण के दौरान, चूंकि यही दोनों पार्टियां मुख्य रूप से सत्ता में रही है, झामुमो और भाजपा, दोनों का ब्लॉक अलग अलग है, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, लेकिन आखिर जो संकल्प लिया गया था उसकी पूर्ति तो नहीं हुई। अब देखना होगा कि 1 मई मजदूर दिवस, मजदूरों के प्रति सहानुभूति, संवेदना भी इससे दिख रही है, चूंकि जो उन्होंने दिन चुना है जयराम महतो ने, तो सब मिलाकर के
यह उनका शक्ति प्रदर्शन होगा। और शक्ति प्रदर्शन में उनके तमाम कोर कमेटी, जो भी केंद्रीय कमेटी और राज्य स्तरीय कमेटी जो अब तक बनी है, प्राय उनके जो प्रवक्ता हैं सभी लोग उसमें होंगे, उनके छोटे मोटे जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे उनकी भी मौजूदगी होगी। और यह दिलचस्प होगा कि आखिर नामांकन के बाद उस भीड़ को देखकर उत्साहित होने के बाद जयराम महतो क्या कहते हैं, और उसके बाद उनका जो आगे का जो मतदान तक जो उनका जो दौरा होगा विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर अपने संसदीय क्षेत्रों के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न अनुमंडलों में और विभिन्न छोटे मोटे कस्बों और शहरों में, तो उससे वो पता चलेगा कि लोगों का रुझान उनके प्रति क्या है और उनके मुद्दों के प्रति लोग कितने समर्पित हैं। फिलहाल नमस्कार, जोहार।